सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव साइट विजिट पे। मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेक्टर 123 की प्रीमियम प्रॉपर्टी, जो कि 123 गज में बना हुआ एक विला आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, ये 200 फीट एयरपोर्ट रोड जो न्यू चंडीगढ़ को एक्सटेंड हुई है उसके जस्ट 100 मीटर पे रहने वाला है। गोपाल्स, KFC, VR पंजाब मॉल आपका 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे रहने वाला है। तो अगर मैं विला के एलिवेशन की बात करूँ ना यार, एलिवेशन इसका बहुत अच्छा और प्रीमियम रहने वाला है। जहाँ जो टाइल वर्क किया गया है ना, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरी वुडन लगा दी हो, और LED लाइट्स होगी, डाउन सीलिंग होगी, पूरे विला में आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो अगर मैं फ्रंट पे पार्किंग स्पेस की बात करूँ ना, बड़ी से बड़ी गाड़ी की पार्किंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एक गाड़ी आपकी बाहर आ जाएगी क्योंकि हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं वो 30 फीट की हैं। और अगर मैं टू व्हीलर की बात करूँ तो आपको टू व्हीलर भी यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी, और साथ में वॉशिंग एरिया, टैप वगैरह हम लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की आपको प्रोविज़न है, पार्किंग है, वॉशिंग एरिया मिल जाता है, टू व्हीलर पार्किंग मिल जाती है। तो इस विला की अगर मैं मेन बात करूँ ना, इसकी सीढ़ियाँ बाहर से रहने वाली हैं। सीढ़ियाँ बाहर से हों, आप कल को अपना ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। तो इसके एंट्रेंस पे हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको डोर बना के दिया है, हैवी वुडन का, टीक वुड से बना हुआ ये डोर रहेगा। तो जैसे ही आप विला के अंदर एंटर करोगे ना, तो आपको डाउन सीलिंग का जो ये डिज़ाइन है ना, वुडन वर्क के साथ किया गया है, ये 3D डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा ये अपने विला को बना रहा है। अगर मैं लाइट और वेंटिलेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, जिसमें आपको लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी। और अगर इसके साथ की जो वॉल की मैं बात करूँ ना, यहाँ पे जो वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है, 3D डिज़ाइन का वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ AC फिटिंग्स की, आपको हर एक रूम में, ड्राइंग डाइनिंग एरिया में AC फिटिंग्स मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर बड़ा ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका सोफा लग जाएगा, और इसके सामने आपको बड़ा LED पैनल मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपनी मूवीज वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, बैठ के चाय कॉफी ले सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। तो अगर मैं किचन की बात करूँ तो प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर मॉडलर किचन रहने वाली है, 12x10 की किचन रहने वाली है, काफ़ी स्पेशियस है। सारी हिंदवेयर फिटिंग्स आपको मिलने वाली हैं इसमें, साउंड प्रूफ सिंक रहने वाले हैं, स्पेस काफ़ी है, पूरी हाइड्रोलिक किचन है जो आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा किचन और ड्राइंग डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ, देखते हैं हमें बेडरूम में क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है। जैसे ही हम बेडरूम में एंटर करेंगे ना, तो डाउन सीलिंग यहाँ पे ना बड़ी सॉफ्ट सी डाउन सीलिंग करी गई है, अब सिंपल सी डाउन सीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। और अगर मैं बात करूँ कवर्स की, तो कवर्स भी काफ़ी अच्छे और रूफ तक बनाए गए हैं, हैवी वुडन के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पे सारा काम बढ़िया वुडन के साथ किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और स्पेस काफ़ी है, ऊपर भी स्पेस आपको मिल जाता है, और साथ में आपको ड्रेसिंग एरिया भी सेपरेट मिल जाता है, इसमें LED पैनल मिल जाता है। अगर वेंटिलेशन की मैं बात करूँ तो वेंटिलेशन में आपको विंडो मिल जाती है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस विला की मेन बात है ना, इसके वॉशरूम बहुत स्पेशियस हैं, और वॉशरूम के साथ सेंसर लाइट्स हम आपको दे रहे हैं। इसमें हमें सेंसर लाइट्स मिलने वाली हैं, वॉल हैंगिंग सीट मिलने वाली है जैगुआर कंपनी की, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो इसी के साथ हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, सेम एज इट इज। इसमें हमने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया है, थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया है, जो आपके कवर्स रहेंगे इसको थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है। तो सेम आपका जो ड्रेसिंग हमें मिलने वाला है ये सेपरेट रहेगा, LED पैनल मिलेगा, एज इट इज वॉशरूम हमें मिलेगा जैगुआर की फिटिंग के साथ, वाओ, सेंसर लाइट्स इसमें भी इंस्टॉल करी गई हैं। और अगर मैं बात करूँ टाइल्स की, टाइल्स ऊपर तक रूफ तक लगाई गई हैं, 10 फीट तक टाइल्स हमें यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगी। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ वॉशिंग एरिया की, तो पीछे हमें काफ़ी बड़ा वॉशिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ भी आपको धूप भी मिलेगी, वेंटिलेशन भी मिलेगी। कल को आप यहाँ पे अगर इसको वॉशिंग एरिया बना रहे हो तो यहाँ पे धूप भी मिलनी चाहिए वॉशिंग एरिया में। ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि कपड़े सुखाने के लिए हमें धूप यहाँ पे जरूर मिलनी चाहिए। तो वेंटिलेशन है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पे पूरी धूप आ रही है, लाइट आ रही है, वेंटिलेशन आ रही है। तो जी, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर जिसपे हमने 2 बेडरूम देखे, किचन देखी। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो काफ़ी वाइड रहने वाली हैं स्टेयर्स, इसकी स्टील रेलिंग या सारी इंस्टॉल करी गई है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे भी आप एंटर करोगे ना, तो हमें यहाँ पे स्टेट रनिंग बालकनी मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस रहने वाली है। स्टील रेलिंग यहाँ पे करी गई है, टफन ग्लासेस इंस्टॉल करे गए हैं, LED लाइट्स लगाई गई हैं। और इसकी मेन बात है ना, बालकनी हमें यहाँ पे सिटिंग भी मिल रही है, यहाँ पे प्रॉपर आप अपनी चेयर्स वगैरह लगा के शाम को टी कॉफी एंजॉय कर सकते हो, बाहर का माहौल देख सकते हो,
क्योंकि सामने हमारे यहाँ पे पार्क भी आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। तो इसी के साथ हमें फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हम बेडरूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस बेडरूम रहने वाला है। इसके साथ कबर्ड्स, एलईडी लाइट्स, फॉल सीलिंग, सेपरेट हमारा ये ड्रेसिंग रहने वाला है, अटैच वॉशरूम रहने वाला है, जो कि हमने नीचे देखा था सेंसर लाइट्स के साथ। बहुत अच्छी लाइट सी टाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं, गोल्ड मेडल के स्विचेज हैं, सारी चीज़ प्रीमियम यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक गेट है जो कि हमें ले जाता है रूफ की तरफ। वाओ, काफ़ी अच्छी रूफ है यार, यहाँ पे धूप भी अच्छी है। ठीक है, अभी गर्मियों में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर सर्दियों में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, धूप आपको मज़ा देने वाली है। यहाँ पे आप चेयर वगैरह लगा के बैठ सकते हैं। एक हमें रूफ ऊपर भी मिल रही है, जो कि हमारे वाटर टैंक हमें ऊपर मिलेंगे, और ये रूफ आपको खाली एज इट इज़ मिलेगी। तो ये था हमारा बेडरूम और रूफ, और एक यहाँ पे गेट हमें सेपरेट और मिल रहा है, जो कि हमें ले जाता है किचन की तरफ। ये हमारी एक छोटी सी किचन बनाई गई है, इसको आप एक स्पेस है, इसको आप स्टोर रूम यूज़ कर सकते हो, पूजा रूम बना सकते हो, किचन बना सकते हो, या आप यहाँ पे अपना ऑफिस भी बना सकते हो। तो जी, ये था हमारा 123 सेक्टर में 200 फीट रोड के पास बना हुआ 3BHK लग्जरी विला। तो इसी के साथ इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।